इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को समझना होगा, क्योंकि अगर ये तीनों चेक लगते हैं, कोई भी रिलेशन अगर वो आपका रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाता है साथ साथ। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट है और वो सेट है लाइन्स का, सेट ऑफ लाइन्स, और ये जो सेट ऑफ लाइंस है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एल से। और इसमें समझ कर लो जैसे आपकी ये लाइन है, ये आपकी कोई लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इस तरह से लाइन हो गई, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, मतलब बहुत सारी लाइन है इस तरह से, बहुत सारी बहुत सारी, कैसे भी लाइन हो सकती हैं आपकी। और साथ साथ ये सोचिए, ये सब जो लाइंस है ना, ये आपकी 2D प्लेन में, 3D में बात नहीं कर रहा मैं, ये सभी की सभी लाइंस जो है आपकी टू डायमेंशनल प्लेन में पड़ी हुई है, बहुत सारी पड़ी हैं इकट्ठी। तो चलिए काम करते हैं, इन लाइंस को भी ऐसे सोच लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए ये L1 पड़ी है, ये L2 है लाइन, फिर L3 लाइन है, और फिर आपकी सपोज करो L4 लाइन है, और ऐसे सो ऑन, बहुत सारी लाइन है, मतलब ये एक फाइनाइट सेट नहीं है, ये बहुत सारी लाइंस हैं उसमें, ठीक है। जितनी भी लाइंस आप पॉसिबल हो सकती हैं एक प्लेन पे, आप सोचिए कितनी लाइन पॉसिबल हो सकती हैं एक प्लेन पे, कितनी लाइन बना सकते हैं आप, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। अब इस पर मैं एक रिलेशन बनाता हूँ जो कि इस सेट पे डिफाइंड होगा। तो सेट पे डिफाइंड से मतलब मेरा ये है कि ऑर्डर्ड पेयर वाले पे, यानी कि एल क्रॉस एल तो लेना ही लेना होगा। तो यानी कि आपको जो भी रिलेशन बनाना है वो एल क्रॉस एल पे बनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, L1 और L1, यही तो होगा। और आप अगर अगला सोचें तो अगला आपका क्या होगा, L1, L2 होगा। और इसी तरह से अगर आप सोचें, बहुत सारे होंगे ऑर्डर्ड पेयर, थोड़े थोड़ा होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आप एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं जो कि बिलोंग्स टू होगा, रिलेशन बनाने जा रहे हैं, अगेन ये रियल नंबर नहीं है, रिलेशन, एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं जो कि बिलोंग्स टू होगा एल क्रॉस एल से, ठीक है, जो कि इस पे होगा। चलिए अब देखते हैं कि बनाते हैं एक रिलेशन, और मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं आपका आर, और मैं लिखने जा रहा हूं उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, x, y सच दैट योर x इज पैरेलल टू y, जहां पर आपके x और y दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं सेट L से। तो आपको समझ में आ पा रहा है कि ये रिलेशन मैंने किस तरह का बनाया। तो इसमें मैंने आप देखो एक रूल लिखा है, और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि वो इसी से बिलोंग करती हैं, एक्स और वाई जो है वो लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं और वो इसी से बिलोंग करती हैं, और एक्स और वाई यानी कि जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल है, यानी कि ये जो रिलेशन है इसमें सिर्फ सिर्फ और आपको वो ऑर्डर पेयर पिक करने हैं जो आपस में पैरेलल होंगे, आप वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं क्या पैरेलल है क्या नहीं, बट इस पर मैं आपको बताऊंगा। अब ये आपको तीनों की तीनों चीजें एक एक करके मैं बताता हूं कि रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, इसी से मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में आपको एक एलिमेंट लेना होता है, कोई भी एक एलिमेंट जो कि आपका सेट से बिलोंग करता है, लेट L1 बिलोंग्स टू आपका सेट L, ठीक है। तो उसमें हमें करना क्या होता है, L1 और L1 का ऑर्डर्ड पेयर लेना होता है, L1 और L1 का ऑर्डर्ड पेयर लेना होता है। तो आप मुझे बताइए क्या L1 और L1 इस रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, आप सिर्फ ये सोचना है, L1 और L1। तो कहने का मतलब जैसे कि ये कोई मैंने लाइन लेनी है ऐसे L1, और एक दूसरी लाइन ले ली, मतलब वो भी L1 ही है। तो देखो एक बात बताओ, L1 पे L1 पड़ा, आप बताओ L1 पे L1, मतलब इसी पे एक लाइन ले ली L1 और L1 सेम, मतलब एक तरह से सेम ही तो लाइन है वो, L1 पे L1 ले ली मैंने ऐसे, L1 पे L1 ऐसे, ठीक है। थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं भाई इसका, ताकि थोड़ा और बेटर क्लियरिटी मिल जाए आपको, ये कलर दूसरा ले लेता हूँ, L1 पे L1 ले रहा हूँ मैं ऐसे, ऐसे L1 पे L1,
मतलब देखा जाए तो एक ही लाइन है, तो आप मुझे बताओ क्या L1 और L1 आपस में पैरेलल होंगी? ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट का इशू हो जाता है वैसे, पर इसमें अगर एक चीज देखी जाए, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, L1 और L1 के बीच में, और वो डिस्टेंस कितना है? जीरो। वो डिस्टेंस असल में जीरो है, तो इस केस में ये आपका रिलेशन में माना जाएगा, तो इट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर L1 आपने कोई लाइन ली और वो आपका L1 और L1 अगर रिलेशन में बिलोंग करता है, तो उस केस में ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। समझ आई बात? तो इसमें आप करोगे देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पूरा लिख दो चाहो तो, ठीक है। तो साथ साथ इसके एक फॉर्मूला भी लिख देता हूं। मान लीजिए आपका कोई फॉर्मूले लिख रहे हैं मैं इसके लिए, इफ योर ए बिलोंग्स टू, मान लीजिए कोई सेट है एक्स, एक्स पे आप बनवा रहे हो सारा, इफ ए बिलोंग्स टू एक्स और ए कोमा ए बिलोंग्स टू आपका आर हो, ए कोमा ए बिलोंग्स टू अगर आर हो जाए, तो ऐसे में आपका रिफ्लेक्सिव होता है। और जो R क्या है, R आपका सबसेट है X क्रॉस X, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको कभी भी देखने को मिले कि A कोमा A बिलोंग्स टू रिलेशन हो, अगर कोई एलिमेंट A लेते हो आप X से, तो ऐसे में आपका रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा। इस केस में आप देख सकते हो कि L1 L1 हमने लिया, और आप चाहे तो L2 भी ले सकते थे, L2 भी लोगे तो L2 के साथ L2 अगर बनाओगे तो आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच में कांस्टेंट है, फिक्स है, जो कि इस केस में जीरो आ रहा है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, फार्मूला। अब जैसे रिफ्लेक्सिव तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। अब ये दूसरे की बारी आई सिमेट्रिक की, अब सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा टाइप है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में करते क्या है, इसमें हम दो लाइन लेते हैं, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आपका सेट L, वही सेट है, यही सेट चला आ रहा है हमारा, इसी सेट में से हमने दो लाइनें ली हैं L1 और L2, और वो कुछ इस प्रकार से ली हैं जो कि आपका ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करे। वो हमने कुछ इस तरह से लिए हैं कि उसी रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और कुछ इस तरह से लेना है, देखते हैं। इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है, देन आपका L2 कॉमा L1 शुड आल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने कभी हो, तो ऐसे में आपका जो रिलेशन होता है सिमेट्रिक होता है। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं आपके सामने दो लाइन बना ही देता हूं। ये लो, एक आपके सामने लाइन है ये L1, और ये मैंने एक लाइन ली है L2, जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करे। रिलेशन को सेटिस्फाई क्या करे, मतलब ये L1 और L2 आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ये देखो आपकी आपस में पैरेलल है, तो ये पहली कंडीशन तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देन ये भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपका रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक कहलाएगा। आप ये देखो इस केस में देखिए L1 और L2, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 पैरेलल होगा L1 के? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में आपका यस योर आर इज सिमेट्रिक, यस आर इज सिमेट्रिक, जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए इसी बात को अब जनरलाइज भी कर देते हैं साथ साथ समझने के लिए। तो जो रूल है, रूल हमारा जो क्या होगा वो लिखते हैं हम। सपोज कीजिए इफ योर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आपका रिलेशन है, तो दिस इंप्लाइज आपका जो बी कोमा ए है वो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। और जहां पर कि आपका ए और बी आपका किसी बेस सेट एक्स पे डिफाइंड है, बिलोंग करते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो कि आपका रिलेशन है, रिलेशन शुड बी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका रूल है, ये आपको याद रखना चाहिए।
तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाता है। सिमेट्रिक के बाद हमारा रिलेशन चेक करना है हमें ट्रांजिटिव, तो चलिए ट्रांजिटिव के बारे में बताते हैं अब हम। तो ट्रांजिटिव के केस में ये हमारा थर्ड है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको तीन लाइनें लेनी होती हैं, तो उसमें आपको तीन लाइन लेनी है, लेट आपका L1, L2 और L3 बिलोंग्स टू सेट L। अब अगेन वो कहाँ से ले रहा हूँ मैं, आपका ये अगेन मैं यहीं से ले रहा हूँ भाई, और ये कुछ इस तरह से ली है कि वो, देखो मैं लिखने जा रहा हूँ रूल क्या लिखने जा रहा हूँ, इफ योर L1 L2 belongs to R and your, यहां पर कॉमा लगा देते हैं, L2 कॉमा L3 belongs to R, तो this implies या फिर then आपका जो L1 और L3 ये भी आपका belongs to R होना चाहिए। अगर ये भी belong करता है तो समझ लीजिए आपका R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा साथ साथ। तो आप इसको ज्योमेट्रिकली भी समझ लेते हैं, सपोज कीजिए आपकी आपकी लाइन L1 है और ये आपकी लाइन L2 है, ये आपकी L2 लाइन होगी और एक लाइन और है जो कि L3 है। मतलब कहने का मतलब ये है इसमें कि आपका जो L1 है वो पैरेलल है L2 के, ये तो यहाँ से बोला है क्योंकि वो बिलोंग्स टू रिलेशन है ना, और रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई आर पैरेलल, जहां पर एक्स और वाई बिलोंग करते हैं आपके सेट एल से, और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। तो एक बात बताओ, क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? यस होगा, 2D के अंदर होगा। तो ऐसे में आपका जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो यस इस केस में आपका जो R है ट्रांजिटिव भी है साथ साथ, ट्रांजिटिव। तो इसको रूल भी लिख लेते हैं, सपोज कीजिए इसी में आपका जैसे रूल क्या है हमारा, आपका इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन आपका ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, जहां पर कि फॉर एवरी का सिंबल है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आपका जो बेस सेट है कैपिटल एक्स, जहां पर आपका आर को एक रिलेशन है जो कि सबसेट है आपका एक्स क्रॉस एक्स का। तो ये आपका रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर आपका कोई रिलेशन फॉलो करता है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और इस केस में आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो आपने रिलेशन लिया था ये वाला, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये चेक हो रहा है, और साथ साथ आपका ये आपका सिमेट्रिक भी है, ये भी चेक होता है, और साथ साथ ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों रिलेशन जब चेक होते हैं तो हैंस Your R is equivalence relation. तो इसमें लिख दीजिए लास्ट में, Hence R is equivalence relation. ठीक है।